हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा चुकी हूँ, आज इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके वहाँ से देख सकते हैं या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था किस तरह से मोहम्मद गौरी जब इंडिया पर आक्रमण करता है, फिर यहाँ के जो एरिया उसने जीते थे वो अपने गुलाम और यानी कि जो उसका दास था, स्लेव था, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको दे करके उसका राजकाज करने का भार कुतुबुद्दीन ऐबक को दे करके वो चला जाता है। लेकिन जब वहाँ जाता है वापस वो गौर, तो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक स्वतंत्र रूप से राजा बन जाता है और वो स्लेव डायनेस्टी की स्थापना करता है इंडिया में। और ये देखिए, ये एरिया दिखाया गया है स्लेव डायनेस्टी का, जो रेड कलर से मार्क किया हुआ है। यहाँ तक इसका राज्य विस्तार था। स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और इसके बाद आया था इल्तुतमिश, और फिर रजिया सुल्तान, फिर नसीरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन। और गयासुद्दीन बलबन के बाद जो सक्सेसर थे उसके, वो बहुत कमज़ोर थे, मतलब कि अच्छे नहीं थे राजकाज संभालने में, जिसके कारण से उसकी हत्या जलालुद्दीन ने कर दी और उसने जलालुद्दीन ने ही खिलजी वंश की स्थापना की। तो आज हम पढ़ेंगे इस खिलजी वंश के बारे में। तो देखिए, खिलजी वंश का जो टाइम पीरियड था वो कितना था, 1290 CE से 1320 CE तक। जलालुद्दीन खिलजी ने शासन किया 1290 से 96 CE, यानी सिर्फ 6 ईयर्स तक शासन किया। उसने जब शासन, जब बलबन के जो सक्सेसर थे उसकी उसको उसका मर्डर करके, उसकी हत्या करके जब वो सिंहासन पर बैठा था, तो उस समय उसकी एज 70 थी। और उसी ने खिलजी डायनेस्टी की स्थापना की 1290 CE में। इसका फाउंडेड कौन था, फाउंडर था, खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर था जलालुद्दीन खिलजी। उसका एक भतीजा था, उसका एक भतीजा अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने उसकी जो सैनिक अभियान थे अलग अलग जगहों को जीतने के लिए, उसमें उसकी काफ़ी सहायता करी थी। अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही एम्बिशियस पर्सन था, बहुत ही महत्वाकांक्षी पर्सन था, और वह जो है सो सुल्तान बनना चाहता था। और इसलिए उसने क्या किया, जब ये जलालुद्दीन खिलजी देवगिरी के रूलर्स को हरा करके वापस आ रहा था, तो इसने जलालुद्दीन खिलजी जब वापस आ रहा था, तो अलाउद्दीन खिलजी जो कि उसका भतीजा था, उसने धोखे से उसकी हत्या कर दी। और इस प्रकार से उसने सिंहासन पर कब्जा कर लिया और 1296 CE में वह राजा बन जाता है, सुल्तान बन जाता है। तो अब सुल्तान बनता है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखते हैं, इसका 1296 CE से 1316 CE तक उसने शासन किया। ये लगभग पूरे 20 ईयर्स तक इसने शासन किया। वह एक बहुत ही ब्रेव जनरल और स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर था, यानी कि बहुत ही अच्छा सेनानायक और प्रशासक, राजकाज चलाने वाला था। अलेक्जेंडर की जैसा ही वह भी पूरे वर्ल्ड पर अधिकार करना चाहता था, पूरे दुनिया को अपने अधीन करना चाहता था, पूरे एरिया पे अपना कब्जा करना चाहता था। इसलिए उसने नॉर्थ इंडिया के कई सारे पार्ट्स, जैसे कि गुजरात, रणथंबोर, चित्तौर, मालवा, मारवाड़, इन सब पर अपना को अब कैप्चर कर लिया। और साथ ही साउथ इंडिया के भी बहुत सारे स्टेट, जैसे देवगिरी, वारंगल, मदुरई और भी बहुत सारे स्टेट्स पर उसने कब्जा कर लिया, उनको कैप्चर कर लिया। उसने अपनी सल्तनत को इन्वेशन से, यानी कि बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए एक बहुत ही वेल ट्रेंड और वेल इक्विप्ड आर्मी रखी थी, यानी कि बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दिया हुआ और उनके पास बहुत अच्छे से हथियार वगैरह हो, हथियारों से लेस आर्मी थी अपनी सीमा की सुरक्षा करने के लिए, ताकि बाहरी आक्रमणों से अपने राज्य को बचाया जा सके। वह अपने सैनिकों का फुल रिकॉर्ड रखता था, सोल्जर्स का, और उसने हुलिया और दाग वाली प्रथा एक चलाई थी। हुलिया जिसमें था सैनिकों का हुलिया लिखा जाता था, कि जैसे कोई भी सैनिक है तो उसकी पहचान कैसे की जा सकती है, ताकि इसके जगह पे कोई दूसरा सैनिक रिप्लेस ना कर हो जाए। जैसे कि कोई जासूस वगैरह होते हैं ना दूसरे राज्य के, तो वो आ गए और उस सैनिक की जगह पे, और वो आ करके यहाँ की जासूसी कर जाए, तो ऐसा ना हो। इसलिए वह हर सैनिक का हुलिया लिखता था कि कितना हाइट है, कैसा कलर है, कैसे बाल हैं, कैसे कहाँ क्या नाम है वगैरह वगैरह, सारी डिटेल्स उसका लिखता था। और घोड़ों में भी का भी उसने दाग देता था, घोड़ों को एक प्रकार का, मतलब कि उसके ऊपर स्टैंप लगाता था, जिससे कि उनकी भी पहचान की जा सके। सोल्जर्स को वो सैलरी देता था, पेड इन कैश, कैश में उनको सैलरी देता था, और बहुत सारी और फैसिलिटीज़ भी थी। हमने इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो सैनिक थे उन्हें जो है वो जागीरें वगैरह और
और भी मतलब कि कुछ राजा के द्वारा अलग अलग उपहार के रूप में दी जाती थी, लेकिन पेड सैलरी रेगुलर उनको नहीं दी जाती थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को सैलरी कैश में देना शुरू किया और उसने और भी कई सारी फैसिलिटीज़ अपने सैनिकों को दी थी। अलाउद्दीन डिड नॉट अलाउ नोबल्स और पीपल टू अमैश मनी। अलाउद्दीन ने नोबल्स को यानी कि उलेमाओं जो उलेमा लोग थे, अमीर लोग थे, उन्हें और यहाँ तक कि आम जनता को भी पैसे इकट्ठे करने की अनुमति नहीं दी थी। इसलिए उसने ऐसा किया ताकि उसने बहुत ज़्यादा हाई टैक्सेस उसने उन पर लगा दिए। बहुत ज़्यादा टैक्स लगाने के कारण अब उनके पास ना पैसे बचेंगे और ना ही वो पैसा जमा कर पाएंगे। उसने वाइन की, शराब की बिक्री पर और उसे कंजप्शन पर भी पूरी तरह से उसको बैन कर दिया था। ही ऑर्गेनाइज्ड एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट सिस्टम टू कंट्रोल रिवोल्ट्स अगेंस्ट हिम। उसने अपने विरोधियों से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया था। वह फर्स्ट मुस्लिम रूलर था जिसने कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, राजकाज में उलेमाओं और मुल्लाओं का, मुल्ला लोग हैं और उलेमा जो होते थे धार्मिक रिलीजियस लीडर होते थे, उनका इंटरफेरेंस जो है वो बर्दाश्त नहीं करता था, यानी कि उनका दखल उसे पसंद बिल्कुल नहीं था। अपने राजकाज में फर्स्ट रूलर था ये मुस्लिम रूलर। इससे पहले के जो रूलर्स होते थे उनके राजकाज में ये उलेमाज और मुलाज जो है उनको सजेशन देते थे, ये रिलीजियस लीडर होते थे। अलाउद्दीन इज़ फेमस फॉर हिज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। वो अपनी आर्थिक सुधारों के लिए बहुत फेमस है, यानी कि उसने अर्थव्यवस्था में बहुत से अच्छे अच्छे सुधार किए, इस कारण से वो काफ़ी फेमस है। उसने मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी कि MRP को, डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं, डेली यूज़ के गुड्स हैं, उसका MRP सेट किया, फिक्स किया। और उसने ग्रेन स्टोरेज और राशनिंग सिस्टम को भी शुरू किया, ग्रेन को, अनाज को स्टोर करना और राशन बांटना लोगों के बीच, इस सिस्टम को भी शुरू किया। देर वर डिफरेंट मार्केट प्लेसेस फॉर डिफरेंट कम्योडिटीज़, यानी अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग मार्केट प्लेसेस थे। जैसे कि कपड़े के लिए अलग मार्केट है, सब्जी, खाने पीने की चीज़ों के लिए अलग मार्केट है, हथियार वगैरह के लिए अलग मार्केट है। इस तरह से अलग अलग चीज़ों के लिए उसने अलग अलग मार्केट बनाए थे। सेवर पनिशमेंट वॉज गिवन टू दोज हु वेट लेस और चीटेड बाय बायर्स इन एनी वे। यानी कि अगर कोई भी दुकानदार अगर कम वजन करता है, वेटलेस करता है, कम वजन करता है, तो उनको एक बहुत ही कड़ी सज़ा दी जाती थी। और उसमें उसकी सज़ा दी जाती थी क्या कि जितना कम उसने अगर वजन तोला है तो उतना उसके शरीर से मांस काट लिया जाता था। इतनी कड़ी सज़ा अलाउद्दीन ने अपने टाइम में चला रखी थी। इस कारण से उसकी जो अर्थव्यवस्था थी उस समय बहुत अच्छी थी। कोई भी इस तरह का चीटिंग नहीं करता था, सामान को सही वजन करता था। मार्केट कंट्रोलर्स वर अपॉइंटेड फॉर स्ट्रिक्ट सुपरविजन ओवर द ट्रेडर्स। ये जो ट्रेडर्स थे इनके ऊपर सुपरविजन करने के लिए, देखने के लिए, स्ट्रिक्ट सुपरविजन करने के लिए मार्केट कंट्रोलर्स उसने अपॉइंट किए हुए थे, कि देखने के लिए कि मार्केट में लोग सही से वेट करते हैं कि नहीं, सही से कोई MRP से ज़्यादा प्राइस तो नहीं लेता है, ये सब कुछ देख रेख करने के लिए। ही आल्सो रिफॉर्म द रिवेन्यू सिस्टम। उसने रिवेन्यू सिस्टम को में भी सुधार किया कि जैसी, ऐसा नहीं कि सबको एक फिक्स्ड अमाउंट में देना है, बल्कि जिसके पास जैसा ज़मीन हो, यानी कि फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, लैंड का जितना भी जैसा साइज हो उसके अकॉर्डिंग उसको ज़मीन पे, भूमि पे कर देना पड़ता था। टैक्स जो देना पड़ता था वो सबका फिक्स नहीं था, बल्कि जिसके पास जितनी ज़्यादा ज़मीन हो या कम हो उसके अकॉर्डिंग उसका टैक्स देना पड़ता था। द स्टेट शेयर वॉज फिक्स्ड एट 50% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। और स्टेट का शेयर जो था, राजा को जो था जो शेयर लोग देते थे वो बिल्कुल फिक्स था, कि किसी भी किसान का, किसी का भी व्यापारी का जो भी टोटल प्रोड्यूस होता है उसका 50% उसको स्टेट को देना होता था, गवर्नमेंट को देना होता था। द लाइफ ऑफ हिंदूज वॉज मिजरेबल बिकॉज दे हैड टू पे मोर टैक्सेस देन मुस्लिम्स। इस समय में हिंदूज जो लोग थे उनकी जो स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी, क्योंकि उन्हें मुस्लिम की तुलना में टैक्स बहुत ज़्यादा देने पड़ते थे। आगे है, डू यू नो व्हेन अलाउद्दीन केम टू नो अबाउट द सुपर ब्यूटी ऑफ पद्मिनी द क्वीन ऑफ चित्तौड़। ही वांटेड टू मैरी हर सो ही अटैक्ट चित्तौड़। ही डिफीटेड द राजपूत क्वीन पद्मिनी एंड लेडीज कमिटेड जौहर। जब अलाउद्दीन को ये पता चला कि पद्मिनी की सुंदरता के बारे में पता चला, जो पद्मिनी थी वो चित्तौड़ की रानी थी,
तो उसकी सुंदरता के बारे में जब अलाउद्दीन को पता चला तो वह उससे शादी करना चाहता था और इसलिए उसने चित्तौड़ पर अटैक किया और राजपूतों को हरा दिया। लेकिन जो रानी पद्मिनी थी और भी जो महिलाएं थीं उन्होंने जौहर कर लिया। जौहर क्या होता है, जब कोई राजा और उसके सैनिक सब युद्ध पर जाते हैं और अगर वहाँ राजा मारा जाता है और दूसरे राजा का वहाँ पर अधिकार हो जाता है तो उससे पहले ही वहाँ की जो महिलाएं होती हैं और जो रानी होती है वो सब मिलकर के आग में जल अपने आप को खुद को जला लेती हैं। उसे ही जौहर कहा जाता है। तो रानी पद्मिनी ने और भी वहाँ की जो महिलाएँ थीं उन्होंने जौहर कर लिया था लेकिन अलाउद्दीन से शादी नहीं करी थी। द स्टोरी ऑफ पद्मिनी द क्वीन ऑफ राणा रतन सिंह ऑफ मेवाड़ वाज वाइवडली डिस्क्राइब्ड बाय मलिक मोहम्मद जायसी इन हिज एपिक पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी की एक एपिक है पद्मावत, जिसमें रानी पद्मिनी और राणा रतन सिंह जो मेवाड़ के राजा थे इन दोनों की जो स्टोरी है वो बहुत ही अच्छे से इसमें डिस्क्राइब की हुई है। तो ये है अलाउद्दीन का। देखिए अलाउद्दीन का साम्राज्य था, इसने लगभग इंडिया के सभी पार्ट्स पर अधिकार कर लिया था। बस इस ये थोड़ा सा इधर का पार्ट बाकी रह गया था और ऊपर का बाकी लगभग पूरे एरिया पे अलाउद्दीन का कब्जा हो गया था। आफ्टर रूलिंग फॉर 20 ईयर्स अलाउद्दीन डाइड इन 1360। 20 ईयर्स तक शासन करने के बाद 1316 में उसकी मृत्यु हो जाती है। ही सक्सेसर कुड सर्वाइव ओनली अप टू 1320 CE। उसके जो सक्सेसर थे वो केवल 1320 CE तक ही राजकाज कर चला सके, क्योंकि वो बहुत ही मतलब कि अच्छे नहीं थे राजकाज चलाने में, इसलिए मात्र 4 साल तक ही चला सके। द लास्ट रूलर ऑफ खलजी डायनेस्टी वाज खुसरो। जो खलजी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था वह खुसरो था। ही वाज डिफीटेड एंड मर्डर बाय गाजी मलिक, और वह गाजी मलिक के द्वारा हरा दिया गया और हरा करके उसने उसकी हत्या कर दी। हु टुक द नेम ऑफ गियासुद्दीन तुगलक एंड बिकेम सुल्तान इन 1320 CE। तो गाजी मलिक ने उसे हरा दिया खुसरो को और उसकी हत्या कर दी, और उसके बाद गाजी मलिक गियासुद्दीन तुगलक के नाम से सुल्तान बनता है 1320 CE में। और वह गाजी गियासुद्दीन तुगलक जो है 1320 CE से 1325 CE तक शासन करता है, और यही तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर होता है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा समझ में आया कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।